दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज लंबे इंतजार के बाद स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य भर में 9वीं और 12वीं के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत अन्य शिक्षण संस्थान आज यानी सोमवार को खुल जाएंगे। कोविड-19 के छात्रों के बचाव को लेकर तमाम एहतियात के साथ पठन पाठन जारी होगा। हर कक्षा में आधी क्षमता में ही विद्यार्थी मौजूद रहेंगे। राज्य में करीब 8,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 36,61,942 बच्चों को दो दो मास्क, करीब 73 लाख मास्क जीविका के माध्यम से बांटी जाएगी। इन स्कूलों में एक दिन में 18,30,971 बच्चों को आने की परमिशन दी गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि कक्षा व बच्चों को लाने व पहुंचाने वाले वाहन रोजाना 2 बार होंगे सैनिटाइज किया जाएगा। 2 विद्यार्थियों के बीच बैठने के लिए व्यवस्था जो रखी गई है उसमें 6 फीट की दूरी होगी। साथ ही साथ छात्र और शिक्षकों के स्वास्थ्य की नियमित जांच की जाएगी। 8,000 माध्यमिक और मध्य उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूल हैं राज्य में। 512 अंगीभूत और संबद्धता प्राप्त कुल कॉलेज हैं राज्य में। साथ ही साथ स्कूलों में असेंबली नहीं की जाएगी। खेल पीरियड, लंच के लिए अलग अलग समय दिया जाएगा। स्कूल को हर दिन सैनिटाइज करें। 50% छात्रों को लाने की बात कही जा रही है, यानी पढ़ाई होगी। 50% बच्चे आ जाएंगे तो 50% कल आएंगे। रविवार को स्कूल खोलने से पहले अभिभावक से अनुमति लेनी होगी। पूरे दिन प्रवेश द्वार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय आदि का सैनिटाइज करना होगा। साथ ही साथ अगर किसी शिक्षक को खांसी, जुकाम या बुखार हो तो उन्हें स्कूल न बुलावे, यह एहतियात के तौर पर कही गई है। हाथ धोने के लिए हैंड वॉश का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार कई तरह के नियम बनाए गए हैं। करीबन 296 दिन के बाद अब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खुलने जा रहे हैं। यह बड़ी बात है, लंबे इंतजार के बाद अब कोचिंग संस्थान खोले जाने की बात कही गई है। आज से ही पटना हाईकोर्ट में फिजिकल अपीयरेंस अधिवक्ताओं का होगा। पटना हाईकोर्ट में सोमवार से यानी आज से आमने सामने सुनवाई शुरू होगी। करीब 9 महीने से ज्यादा समय के बाद वकील हाईकोर्ट में कदम रखेंगे। हाईकोर्ट प्रशासन फिजिकल कोर्ट को लेकर काफी गंभीर है। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी हर दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। हाईकोर्ट में बगैर पास के किसी का प्रवेश वर्जित है। वकील और उनके मुंशी ई पास पर ही प्रवेश कर सकेंगे, जबकि किसी भी मुवक्किल को हाईकोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक कोर्ट में 8 वकीलों को बैठने की व्यवस्था की गई है। बाकी वकीलों के लिए 12 वेटिंग रूम बनाए गए हैं। साथ ही हाईकोर्ट परिसर में ही उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। आज से हाईकोर्ट में 9 महीना के बाद वकील और मुंशी प्रवेश करेंगे, जबकि मुवक्किलों के प्रवेश करने की बात पर अभी फैसला नहीं हुआ है। उधर केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की ओर से आयोजित बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में कदाचार और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में कुल 19 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें जेल भेजा गया। इसमें 16 फर्जी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी पटना के पत्रकार नगर, 1 की कंकड़बाग व 2 की दरभंगा में हुई है। सिपाही भर्ती की परीक्षा में भी देखा गया कि फर्जी रूप से परीक्षा देने पहुंचे थे, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर मैं आपको बताऊं कि सिनेमा के रूपले पर्दे पर भी दिखेगी रेनू की संबद्धिया। कहना गलत नहीं होगा कि हम किसी के सामने
हाथ जोड़कर दस्तखत लेकर खड़े नहीं हैं और हम किसी से मिलना नहीं चाहते, हम अपने ताकत के मुताबिक ही काम करना चाहते हैं, ऐसा आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नए बने हैं जदयू के, उन्होंने कहा। मैं बताऊं आपको कि पूर्णिया श्रीनगर की यह बात है कि डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधी को एक पिस्टल, गोली और विदेशी शराब के साथ के नगर एवं श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस संबंध में श्रीनगर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार झा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कोऑपरेटिव बाजार में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने 6 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। वे अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। उधर बैसा पूर्णिया यानी कि रौटा थाना क्षेत्र के फुलवाड़ी निवासी मोहम्मद तैयब उम्र 46 वर्ष का शव सड़क के किनारे मकई के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पत्नी संजरी बेगम ने हत्या की आशंका जताते हुए रौटा थाना में मामला दर्ज कराया है। पत्नी ने बताया कि उसके पति ऑटो चलाते हैं। रौटा से किशनगंज सड़क मार्ग पर वे चलते थे। शनिवार को शाम करीब 5 बजे आसपास वे गांव में एक ग्रामीण के घर जाने की बात कहकर घर से निकले थे। शाम होता देख जब वे नहीं लौटे तो खुद उन्हें बुलाने के लिए गई। उन्होंने उसे जाने की बात कहते हुए जल्द लौटने की बात कहा। उसके बाद उसकी लाश पाई गई। पूर्णिया में ही रोगी के मौत के बाद एक निजी क्लिनिक में परिजनों ने हंगामा किया। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस बल पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। मिली जानकारी में शहर के कप्तान पुल के निकट एक निजी क्लिनिक में कसवा क्षेत्र के सड़क हादसे के शिकार एक रोगी को पूर्व में ही 2 जगहों पर दिखा चुके थे। निजी क्लिनिक पहुंचे जहां उन्हें रोगी के परिजनों को रोगी की गंभीरता को देखते हुए बाहर जाने की सलाह दी गई, मगर वे लोग यही ऑपरेशन कराने के बाद कर रहे थे। बाद में ऑपरेशन के बाद रोगी की मौत हो गई तो हंगामे में तोड़फोड़ कर उतारू हो गए और हंगामा शुरू हो गया। उधर पूर्णिया के ही जानकी नगर में 5 दिनों से गायब पुत्र को लेकर पिता ने जानकी नगर थाना में आवेदन दिया। रुपली दक्षिण पंचायत में रमजनी वार्ड संख्या 6 के निवासी मोहरम अली ने बताया कि उसके पुत्र नजूल उम्र 21 वर्ष पिछले 5 दिन से गायब हैं। गायब होने की सूचना उसने दिया है। इन दिनों काफी कोहरा देखा जा रहा है और ठंड बढ़ने की भी बात कही जा रही है। इस कोहरे और ठंड के कारण दुर्घटनाओं का भी सिलसिला जारी है और कहा जा रहा है कि यह कोहरा और ठंड इन दिनों रहेगा। देसी शराब के साथ एक को गिरफ्तार पुलिस ने किया। प्रगट पुलिस ने रविवार को देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। ओपी अध्यक्ष अधीश कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि पतरघट पावर ग्रिड के पास एक व्यक्ति देसी शराब के साथ पहुंचा है। उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बाद में उसने अपना नाम बेचन सदा के रूप में बताया। सदर थाना सुपौल की बात है कि सदर थाना सुपौल में बीना गांव में पुलिस को ग्रामीणों का फजीहत झेलनी पड़ी। दरअसल वार्ड नंबर 617 दिसंबर के शाम रोशन स्वर्णकार पंकज स्वर्णकार के उधार का पैसा मांगने गया था। इसी बात को गुस्साए लोगों ने लाठी डंडे और चाकू से हमला कर 3 लोगों को जख्मी कर दिया था। इसमें पंकज स्वर्णकार, वासुकी स्वर्णकार और दामोदर स्वर्णकार सहित अन्य को नामजद किया गया था। कार्रवाई नहीं होने से 1 जनवरी को आरोपितों ने पीड़ित पक्ष पर फिर से हमला बोला। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद पुलिस बीना गांव पर आई, लेकिन आरोपियों को पकड़ने के बजाय पीड़ित को पकड़कर ले जाने की कोशिश करने लगे। इस प्रकार की वारदातें हो रही है कि पुलिस अब मोटे रकम देने वाले को नहीं पकड़ती और गरीब तबके के और कमजोर लोगों को पकड़ने में सबसे आगे दिखती है और पुलिस की फजीहत इन सारे
घटनाओं के बाद देखी जा रही है। पूर्णिया के दसवीं का छात्र ड्रोन का द्रोण है। छोटी उम्र में वह ड्रोन बनाने में पारंगत हासिल कर चुका है। अब तक वह 18 ड्रोन बना चुका है। वह 250 ग्राम से 3 किलोग्राम तक के ड्रोन को हवा में उड़ा चुका है। एक ड्रोन बनाने पर वह कम से कम 30,000 से अधिक 2,00,000 रुपए तक का खर्च कर चुका है। यह 600 मीटर से 1 किलोमीटर तक उड़ान भरता है। पिछले 6 वर्षों से रिसर्च कर रहे पूर्णिया के छात्र शुभम कुमार की ड्रोन के माध्यम से किसान और जवान की मदद करना चाहता है। वह कहते हैं कि भारतीय सेना के लिए यह भारतीय ड्रोन का निर्माण करना चाहते हैं। पहाड़ी इलाके में ड्रोन के माध्यम से सैनिकों को साजो सामान पहुंचाने की हसरत उन्होंने संजो रखी है। उनका कहना है कि मजदूरों की किल्लत होती है, ड्रोन किसानों के भी काम आ सकता है। ड्रोन के माध्यम से किसान फसलों में दवा का छिड़काव कर सकते हैं, फसलों को पक्षी बर्बादी करने से बचा सकते हैं। ड्रोन ने इसकी भी रक्षा हो सकती है ड्रोन से। यह रिसर्च करना और इस प्रकार का ड्रोन बनाना शुभम की बड़ी सफलता है। 15 की उम्र में उन्होंने 18 ड्रोन बना लिए। भारतीय जवान और किसान के लिए ड्रोन बनाने की बात उस शुभम ने कही है, जो गर्व की बात है और खासकर पूर्णिया जिले की धरती के लिए गर्व की बात है कि ऐसे होनहार बच्चे ने ड्रोन बनाया है और सरकार इस बच्चे को प्रोत्साहित करे और मदद करे, उससे ड्रोन बनाने के लिए कहे और उस ड्रोन का इस्तेमाल हो तो उस बच्चे की भी मेहनत सफल होगी। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।